खबर जनपद उधम सिंह नगर के खडीमा से है, जहां नौशहर में उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट के माध्यम से एक चौपाल लगाई गई, जिसमें उधम सिंह नगर के सीनियर डिवीजन जज सचिन कुमार पाठक, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर ने वहां आए हुए लोगों की समस्याओं को सुना और साथ ही लोगों को कानूनी हिदायत देते हुए बच्चों को बाल अधिकार तथा नशा उन्मूलन जैसे विषयों पर जानकारी दी। उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट द्वारा आयोजित चौपाल कार्यक्रम में आए समस्त ग्रामीण नौशहर तथा आसपास के लोगों ने कैंप में भाग लिया, साथ ही ग्रामीण लोगों ने अपनी समस्याओं को कह सुनाया। इस मौके पर संस्था के डॉक्टर उत्तम कुमार ने आए हुए समस्त जन प्रतिनिधियों दिल से आभार व्यक्त किया। सीनियर जज के खटीमा दौरे पर जो नौशहर में पहुंचे बच्चों तथा आम नागरिकों को विशेषकर नशा मुक्ति पर लोगों को जागरूक किया। दूसरी तरफ ग्राम प्रधान महेंद्र कुमार निषाद ने ट्रस्ट द्वारा इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए भरपूर सहयोग दिया। वहीं ट्रस्ट के उपाध्यक्ष डॉक्टर उत्तम कुमार, अमित कुमार, डॉक्टर संजय दिवाकर, सोनी देवी, मीना देवी, निशा नगीना, प्रसाद जयराज, अनीता देवी तथा मनीषा देवी, बिंदु देवी के साथ विद्युत विभाग फ्रांसिस, राजस्व विभाग राजेश कुमार तथा रेड क्रॉस सोसाइटी से डॉक्टर विमल कुमार, पैनल अधिवक्ता इलियास सिद्दीकी, पीएलबी मीरा देवी, गीता शर्मा, लाल सिंह, नसीर अहमद, रवि सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। कुछ किए आपने, कुछ नहीं करूँ की बच्चे से क्यों इसको बताएंगे पैसे लगा जो ड्रग्स की सप्लाई होते हैं स्कूल में, वो सिर्फ पैसे पैसे ऐसे ही बच्चों को पकड़ेंगे और कहेंगे देखा मेरे 500 रुपये ये सामान उस लड़के तक पहुंचा देगा और बच्चा पहुंचा देगा 500 रुपये तो नहीं लेगा आपको घर में लग देगा आप भी खुश इस समय कुछ और जाके खा लेंगे जाके मार्केट। जब आप इस तरह बच्चों को आप जब देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आप जहां खुद लालची है हमारे हमें तो कुछ मिल रहा है कहीं से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है ले लिया। आपने कभी पूछा कि बच्चे कहां से लाए हैं? जब आप पूछेंगे तो पता चलेगा। और ऐसे ही बहुत सारे ऐसे उदाहरण हम आपको बता दे रहे हैं और ऐसा नहीं है कि वो 500 रुपये जो दे रहा है वो बस फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, उसके लिए उसके पूरा मेहनताना भी उसका ले रहा है। वो जब दे रहा है कहेगा कि इसको यहां पर ले जाना है, इन बिटवीन वो पूरा आपके पूरा डाटा रखा रहेगा। अगर आप भागेंगे तो फिर वही डाटा को पुलिस को दे देता है कि देखिए ये इस गांव का लड़का है, ये रोज जाता है स्कूल में, इसके सामने इतनी पुड़िया ले ही जाता है, ठीक है, एक दिन 500 रुपये देगा और दूसरे दिन से फ्री ऑफ कॉस्ट कराएगा। आप रोक भी नहीं सकते, मना भी नहीं कर सकते। ऐसे कितने लड़के पकड़ के गए जो अभी ऑपरेशन होम में रखे गए, क्योंकि जब उनके हमने वीडियो देखे हमने पहले कौन बनाया है तो क्या हम लोगों को पता ही नहीं कि साहब कौन बना दिए, ठीक है। तो इस तरह से देखिए जो बच्चे हैं वो बच्चों का मानसिक रूप से बहुत अभी मान लीजिए कि बहुत उनको नहीं पता कि इसमें क्या है, क्यों है, क्यों हमको दिया है, उनको पैसा दिया, चॉकलेट दिया, कुछ और दिया, चले गए। बच्चों के अलावा महिलाएं भी देखिए, आप सोच रहे थे किसी पुरुष की महिलाएं भी कम नहीं है, महिलाओं को कौन रोकेगा बताइए? आपके घर की महिलाएं, आपकी घर की बेटी जाए वहां पढ़ने इंटर कॉलेज कॉलेज पढ़ने, वो क्योंकि हमारी नशा मुक्ति पुरुषों के लिए बना हुआ है, पुरुषों के भरा हुआ है, महिलाओं को जिस दिन नशा मुक्ति बनेगी ना उस दिन महिलाएं भी वहां पे हैं। बहुत सारे ऐसे लड़कियों का ट्रस्ट करके पुलिस ले आती है कि इनको कहां रखा गया, क्या किया गया है। 20 साल की लड़की है, 22 साल की लड़की है, आपको बता रहे जो कॉलेज गई, स्कूल जो जा रही, जो बी ए एम एस सी सॉल्व रही, जो डॉक्टर इंजीनियर पढ़ी हो उनकी बारे में गलत है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, समाज में हर तरह के लोग आपको मिलेंगे और हर तरह के सुधारने के तरीका भी अलग अलग है। आप नहीं आके देंगे बस आरोप प्रत्यारोप किसी के ऊपर करते रहेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। पुलिस प्रशासन आपको क्यों सुने? 500 रुपये आप 100 रुपये दे के आप उनसे काम कराते हैं तो आपको क्यों सुनेगा वो, है? आप कहिए नहीं होगा तो आप बहुत सारे वहां के प्रतिनिधि हैं, प्रधान हैं, इनके माध्यम से आप ले आइए, नहीं होगा सुनवाई होगी तब का है और उनका जाइए होगा। पहले तो हम अपने आपको देखें ना, हम ही नहीं पिएंगे तो कैसे हमको तो जबरदस्ती थोड़ी किया गया। तो इस तरह से देखिए आप, इस तरह से ना किसी को ये कहिए जाना, ये छोटे बच्चे हैं कहते मारे नशे में आ जाएंगे तो नुकसान किसका होगा, आप क्या होगा, हमारा क्या नुकसान, हम तो आपको बता के चले जाएंगे। आपको पहल आपको करनी है, हमें नहीं, ठीक है। तो आप ये जो दिखे बच्चे हैं, अभी छोटे छोटे बच्चे हुए हैं, नशे क्या देखना, नशे मुक्ति केंद्र में कैसे बैठे जाते हैं बच्चे, देखना नीचे है आप दोनों, अभी मैं नशे मुक्ति केंद्र से ही आ रहा था, छोटे छोटे बच्चे 70-80 साल के बच्चे जो अभी स्कूल कानून की स्कूल में पढ़ता है, उसके पेरेंट्स हम लोग गए तो बेचारे बहुत परेशान थे, कहते क्या बताए,
करोड़पति हम लोग हैं लेकिन अभी लकी लग गया। क्या कुछ बात पैसे वाले की नहीं है, चाहे वो गरीब का व्यक्ति हो बालक हो चाहे अमीर का बालक, एक बार जिसको लग कर गए वो चाहे आपका आपको मार मार दे रहे, जैसा भी कहा है सबने कि माँ के माँ मेरा डिप्रेशन है, डिप्रेशन और नशे का डिप्रेशन क्या है कि हर एक दिन में 21 लोग अगर नशा नहीं मिलेगा तो आत्महत्या कर रहे हैं, पता है आपको इतनी भयावह स्थिति आ गई है, क्योंकि हमें इस तरह से करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा चल रहा है, इसके आगे बहुत 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे जो हमारे 70 साल से नीचे हैं, अब सोच लीजिए कि क्या स्थिति हो रही है। तो अभी ऐसे आंकड़े हैं जो नशा मुक्ति केंद्र में या कहीं कहीं है उनके आंकड़े हैं, ऐसे आगे हमारे पास नहीं है जो कहीं नहीं है, और भी हो सकते हैं आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप जैसे अच्छी तरह काम करता है बताइए, आप जैसे महिलाओं में मोबाइल लेके बैठ नहीं है, बच्चे कहीं भी जाए क्या दिक्कत है, बच्चों को पता नहीं आप अपने चलिए, पहले देखते थे लोग हर दिन रहते थे सब कुछ देखते थे, अब तो कोई देख भी नहीं रहा है बच्चा क्या कर रहा है, बस उनको ये है कि हम कानून जो पढ़ा रहे हैं तो कानून द्वारा ही सब सिखाएंगे, कानून द्वारा थोड़ी सिखाएंगे, आपको आपको सीखना है मॉरल जिम्मेदारी। देखिए एक होता कि नैतिक जिम्मेदारी और एक होता कि विद्या, जो आप हम लोग जाते हैं स्कूल में पढ़ते हैं तो विद्या अध्ययन करते हैं, विद्या जिला विद्युत प्राधिकरण से आए हुए थे रुद्रपुर से, और समस्त जो है नौसल ग्राम सभा के प्रधान जी, यहाँ के लोग उपस्थित थे, जीवन ज्योति ट्रस्ट के समस्त हमारे पदाधिकारीगण जिसमें डॉक्टर उत्तम कुमार जी, मीना देवी जी और मनीषा जी, बहुत सारे लोग थे, समस्त लोगों ने सहयोग प्रदान किया और आज का कार्यक्रम बहुत सफल रहा। जिला विद्युत प्राधिकरण से जो आए हमारे सचिव महोदय थे जो कि जज भी हैं, उन्होंने जो है विभिन्न प्रकार की समस्याएं सुनी और कानून से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी गाँव के लोगों को, और हमारे ट्रस्ट के माध्यम से जो है नशा मुक्ति अभियान के संबंध में और जो अधिकार हैं कर्तव्य हैं और विभिन्न प्रकार के जो नियम कानून हैं जिनकी पेचीदगियों के कारण समय पर न्याय नहीं मिल पाता है उसकी जानकारी प्रदान की गई सचिव जिला विकास प्राधिकरण के द्वारा। आज का प्रोग्राम स्पेशली नशे के लिए था, 15 दिन का स्पेशल प्रोग्राम हमारे माननीय मुख्य न्यायमूर्ति जो अभी है सालसा के चेयरमैन अभी है, उन्होंने कहा कि आप गांव-गांव शहर-शहर पे आप जाइए बताइए सबको कि नशे की कितनी खतरनाक लत बच्चों में लग रही है और जिसका रिकवरी हो पाना बहुत मुश्किल होता है, उनको जागरूक करें, जो आने वाले हैं उनकी पीढ़ियों को हम बचाया जा सके, इसलिए हमने ये प्रोग्राम लगाया है। और यहाँ पे ठीक ठाक भीड़ रही है, बच्चे भी रहे जो टीनेजर्स बच्चे जिनकी हम बात करते हैं कि जो नशे में लिप्त हो रहते हैं, और ऐसे बच्चों और खासकर गार्जियन से भी हमारे यही अनुरोध है कि बच्चों को देखभाल करते रहें, उनकी काउंसलिंग करते रहें, प्रत्येक दिन उनकी काउंसलिंग करें ताकि कोई ऐसी कोई ऐसा लत न लगे जो उनको इस तरफ ले जाती है।